हाय एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट आईजीएमसी नागपुर। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आजकल थोड़े फ्रिक्वेंसी वीडियोस ही कम हो गई है क्योंकि आजकल मेरे एग्जाम सब आने वाले हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है। मुझे कई सारे कमेंट्स आते हैं फ्रिक्वेंट वीडियोस, जितना कोशिश में हो सकता है मैं उतनी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, मैसेजेस का भी रिप्लाई देती हूँ। तो आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ काइनेमेटिक्स के ऊपर, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में उसमें बताऊँगी कि क्या क्या उसमें होता है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए। उसके बाद उसके स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगी एंड उसके बुक्स के बारे में बताऊंगी, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए एंड द लास्ट रिवीजन उसका कैसे करना है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या क्या होता है आपको पता हो? इक्वेशंस एक तो होती हैं, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं एंड जो आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन वाले क्वेश्चंस की बात करती हूँ। इक्वेशंस में क्या होता है, आप पहले इक्वेशंस को याद कर लीजिए एंड उसके कुछ क्या बोलते हैं मॉडिफिकेशंस होते हैं इक्वेशंस के, तो उन मॉडिफिकेशंस को भी याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। कुछ कुछ तो डायरेक्ट होता है जिससे कि आपको v = u + at फॉर्मूला लगा देना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में अलग अलग वेरिएटी के क्वेश्चंस होते हैं उसके बेसिस पे, तो उसे भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। सेकेंड दैट इज़ ग्राफ बेस्ड। तो ग्राफ आपको जो कॉमन ग्राफ्स हैं जैसे कि v/t का ग्राफ, s/t का ग्राफ, a/t का ग्राफ, ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इट इज़ डिस्टेंस वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये ग्राफ्स हैं, ये कॉमन ग्राफ्स हैं। एस वर्सेस वी का ग्राफ, ए वर्सेस बी का ग्राफ, एस वर्सेस ए का ग्राफ, तो ये सब इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। तो ये जो बेसिक ग्राफ्स हैं एटलीस्ट इन्हें आप याद रखेंगे तो इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको आसानी रहेगी। काइनेमेटिक्स चैप्टर वो है ना जो आपका बेस बनाता है। इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन इसमें से जब आपका बेस बन जाता है तो आगे मैकेनिक्स में आपका जैसे माइंड एक खोलने का काम ये करता है कि अलग अलग तरह के वैरायटी क्वेश्चंस आप कैसे कर सकते हैं, तो उसका काम ये चैप्टर करता है जो कि बेस आपका बनाता है। एंड देन इसके बाद जब आपका सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, CMM कोलिजन, ये सब चैप्टर्स आते हैं तो फिर आप उसमें आपको आगे आसानी होती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ये दो ही चीज़ें हैं, एक तो इक्वेशन पे आपको उसके ध्यान देना है, सेकंड दैट इज़ ग्राफ्स पे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन भी अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन बेस्ड ही होता है, उसमें टाइम का, डिस्टेंस का, रेंज का, सबका फॉर्मूलाज दिया रहता है। वो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए तभी आप क्वेश्चन में पुट कर देंगे। काइनेमेटिक्स में एक क्वेश्चन करने का मैं तरीका बताती हूँ क्या होता है। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को जब आप पढ़िए ना तो पहले देखिए किस पार्ट का क्वेश्चन है, उसमें आपको वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई है वो देखिए, और फिर उस वैल्यूज़ को आप किस फॉर्मूला में पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं ये भी आपको देखना होगा। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्ट्रेटेजी। काइनेमेटिक्स में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटेजी के लिए यही है कि मैक्सिमम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना आप कर सकें, बेसिक से आपको स्टार्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले तो नॉर्मल क्वेश्चंस करने हैं जिसमें कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके निकाल दें, उसके बाद फिर थोड़ा सा मोल करके, जैसे मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन टाइप के इक्वेशंस को मिक्स करके उस लेवल का करना है, फिर थोड़ा हाई लेवल का, तो ऐसे करके हर लेवल के क्वेश्चन जब करेंगे तो वो चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहूँगी जिसके आप आराम से वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड दैट इज़ मेमोनीट ऐप। उसमें बहुत सारे वेज भी हैं जिस तरह से, और बहुत सारे 3000+ क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं फिजिक्स के, और ज़्यादा मतलब उसमें मैच द फॉलोइंग इंटरेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसे आप देख सकते हैं। आपको मेमोनीट ऐप के बारे में मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ऐसे तीनों सब्जेक्ट्स का आपको दिया रहेगा, लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सबसे पहले बायोलॉजी का दिखाती हूँ, इसमें फुली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इस वजह से बहुत बेटर हो जाता है ये। प्लांट फिजियो का आपको दिखाती हूँ कैसे रहेगा, इसमें से जो कि मुझे अच्छा लगता था दैट इज़ फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको दिखाती हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या है, प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड आर कॉल्ड, तो ये, और फिर उसका दिया रहेगा कि कहाँ से लिया गया है, दैट इज़ एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 206। केमिस्ट्री के बारे में आपको दिखाती हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स को ऐसे सेग्रीगेट कर दिया गया है, एंड फिजिकल केमिस्ट्री फार्मूला, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन, जो कि लास्ट टाइम के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि लास्ट में हमें कुछ चाहिए रहता है जिससे कि हम अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर सकें। फिजिक्स का आपको दिखाती हूँ जो कि मेन है, कि इसमें लेक्चर वीडियोज एक तो आपको पहले मिलेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन एंड PYQs विद वीडियोज एंड PYQs बेस्ड सिमिलर क्वेश्चन। तो इसमें काइनेमेटिक्स के बारे में ही आपको मैं दिखा देती हूँ कि काइनेमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको मोशन अंडर ग्रेविटी, फॉर्मेशन अंडर फ्रॉम विच इज एक्सेलरेशन क्या होती है, तो ये होता है जी होता है। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन तक आपको ये लेके जाएगा।
रिवीजन एल्गोरिथम दिखाना चाहूँगी जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी मैंने जैसे 9 क्वेश्चन सही कर दिए, तो 9 क्वेश्चन मेरे टेम्प्रेरी मेमोरी में आ गए, तो ये मतलब फर्स्ट टाइम में मैंने जो किया। अब मुझसे ये दूसरे तीसरे दिन फिर से पूछेगा, वन डे छोड़ के मुझसे पूछेगा, अगर मैंने सही फिर से बताया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगा। ऐसे वो धीरे धीरे टाइम के बढ़ा देगा उसको, और जैसे फिर मंथ्स में पूछेगा, अगर मैं बताती हूँ उसे बिल्कुल सही तो वो परमानेंट स्टोरेज में मेरे जाके हो जाएगा। आपको टेस्ट सीरीज के बारे में मैं दिखाती हूँ, तो टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज फुल एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे अवेलेबल है। इस पूरे ऐप में 3000 प्लस क्वेश्चन हैं आपके मैथ्स द फॉलोइंग अलग अलग वेरियस के क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट को खरीदते हैं या तीनों सब्जेक्ट्स को खरीदते हैं, तो अगर आप मेरा कूपन आशना 300 यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 300 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। और इसको ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि ये ऐप हिंदी में है या नहीं, तो फिलहाल अभी ये हिंदी में नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम इसका जल्दी लॉन्च होने वाला है, लेकिन दिसंबर ये लॉन्च करने वाला है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स के लिए बुक्स का अगर मैं बताऊं, जो भी कोचिंग में है तो वो अपने मॉड्यूल्स के जो एक्सरसाइजेस होंगे उसे बिल्कुल अच्छे से आप अगर कर लेते हैं तो वो बिल्कुल सफिशियंट होगा आप लोग के लिए। सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए, जैसे एक्सरसाइज 1 दिया रहता है, PYQs भी दिए रहते हैं। PYQs इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि PYQs पे ध्यान दीजिए, उस बेसिस पे कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं किस पैटर्न के, तो उस हिसाब से आप अगर करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद इसका रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो उसी टाइम पे जो आपको मतलब थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगे, जो आपको नहीं आ रहा है, आपने गैस किया है, तुक्का लगा के कर दिया है, तो उसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, वो आपको रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेगा। रिवीजन में क्या करना होगा, आप अपने नोट्स को जो है उसे पढ़िए, नोट्स के थ्योरी को, नोट्स के क्वेश्चंस को सारे सॉल्व करने हैं नोट्स के, तो लेकिन जो एक्सरसाइजेस होंगे उसमें जो आपने टिक कर रखे होंगे क्वेश्चंस, बस उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। काइनेमेटिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बता दिया कि क्या क्या है, तो ये वीडियो था काइनेमेटिक्स के बारे में। आगे भी जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में मैं बताऊँगी कि कैसे उसे डील करना है आपको उसके साथ। आगे भी वीडियोस में मैं ऐसे नीट के रिलेटेड आपको गाइडेंस देती रहूंगी। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो। एंड अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।